हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके मल्लिक, आपका दोस्त फ्रॉम द क्रिएटर बालेश्वर ओडिशा। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं जैसे अगला वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ये वीडियो देख पाएंगे। मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपका फ़ोन में पैटर्न लॉक, वॉइस लॉक या फिंगरप्रिंट कुछ भी आप भूल गए हैं, अगर आपको पता नहीं है क्या था, पिन वगैरह क्या था आपको पता नहीं है, कैसे इसी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करेंगे। मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, इसी तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे, इसी प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इसी ऐप के माध्यम से आप इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इसी ऐप से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ये कि आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, आपका फ़ोन में जितना डाटा है वो चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए आपको एक प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी ऐप का नाम है फाइंड माई डिवाइस। किसी दूसरे मोबाइल में आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए, ये जो पहला है, पहला नंबर पे है गूगल फाइंड माई डिवाइस, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले आपके इसको इंस्टॉल कर लेंगे, बहुत छोटा सा फाइल है, 2.14 MB का फाइल है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। देखिए, अभी ये जो ऐप है अभी इंस्टॉल हो गया है, अभी इसको हम ओपन करेंगे। अभी ओपन हो गया, इसके लिए आपको साइन एज ए गेस्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा, साइन एज ए गेस्ट। इसी फ़ोन पे आप फोन लॉक या पैटर्न लॉक जो भूल गए हैं, इसी फ़ोन का, इसी डिवाइस का, इसी मोबाइल का आपका मेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। मेल आईडी आपको देना पड़ेगा, इसी फ़ोन का मेल आईडी देना पड़ेगा जिसका आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, जिसका आप फोन लॉक पैटर्न लॉक आपको इरेज करना चाहते हैं। इसी फ़ोन का आपका मोबाइल नंबर, सॉरी, इसी फ़ोन का आपका मेल आईडी आपको देना पड़ेगा। तो मेल आईडी मान लीजिए, मैं एक मेल आईडी सैंपल के तौर पर देना चाहता हूँ। दे दिया हूँ अभी हम। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड में दे दिया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट, अलाउ करना पड़ेगा, नो थैंक्स, अभी अलाउ करना पड़ेगा। देखिए, अभी अलाउ करने से ये जो आपका फ़ोन का डिवाइस जहाँ पे है ये ऐप सर्च होगा, सर्च होने के बाद ये आपका काम करेगा। देखिए, अभी सर्च हो गया है, सर्चिंग हो गया है। यहाँ दिखा रहा है कि ये फ़ोन बालेश्वर में है, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, देखिए, सॉरी, देखिए अभी तीन ऑप्शन है। अभी पहला ऑप्शन है प्ले साउंड, अगर आप प्ले साउंड पे क्लिक करेंगे तो आपका जिसी फ़ोन का आप इरेज करना चाहते हैं पासवर्ड वगैरह, ये आपका फ़ोन रिंग होगा। सिक्योर डिवाइस मतलब आप डिवाइस सिक्योर करना चाहते हैं तो इसी फ़ोन का आप कोई यूज नहीं कर पाएगा। और तीसरा है इरेज डिवाइस, इरेज डिवाइस हम अगर करेंगे, देखिए ये जो सब आ रहा है मैसेज, ऑल डाटा विल बी परमानेंटली इरेज्ड। तो इसीलिए जो फ़ोन में आपका पासवर्ड वगैरह आप भूल गए हैं, पासवर्ड हो, पैटर्न लॉक हो, फ़ोन लॉक हो, जो भी आप भूल गए हैं, इसी फ़ोन का अगर आप इरेज करना चाहते हैं तो आपका डाटा भी इरेज हो जाएगा। फ़ोन नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका डाटा, फ़ोन, वीडियो, इमेज, सब आपका इरेज हो जाएगा। तो इसीलिए आप अगर इरेज डिवाइस करते हैं तो पहले ये इरेज हो जाएगा, उसके बाद आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद आप सब आपका लॉक जो हो, जितना सारा लॉक है वहाँ पे, इसी फ़ोन का आप इरेज हो जाएगा, आप इसको ओपन कर पाएंगे।
मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपका सैंपल के तौर पर आपको समझा रहा था, तो इसलिए मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इरेज क्लिक करूँगा तो इसी फ़ोन का आपका सब डाटा इरेज हो जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हो सके तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ, जय हिंद।